जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये आप सभी का फेवरेट टॉपिक रहता है और आप सभी को पता है कि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है। और कल इसी समय आपको क्या होने वाला है, कल आपका टेस्ट होने वाला है, एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेंगे या मॉक टेस्ट जिसको बोल सकते हो वो होने वाला है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि हमने अभी तक जो 5 से 7 चैप्टर पढ़े हैं क्या वो हमारे काम आ रहे हैं, ठीक है। तो कल वाली क्लास नहीं होगी, इस समय कल इस समय रीजनिंग का टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट को जरूर देना जो भी नए स्टूडेंट है, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बिना देरी के, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 25 में से 25 स्कोर करने का। क्योंकि बोला जाता है कि वीक में एक टेस्ट लेंगे ना तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हमने कुछ सीखा है। अगर 25 में से आप अगर 10 भी स्कोर कर पाते हो, आप 15 भी स्कोर कर पाते हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरी इतनी तो तैयारी हो चुकी है, अभी मुझे अपना जो 25 वाला स्कोर पहुंचने के लिए इतनी तैयारी और करने की आवश्यकता होने वाली है। लेकिन मेरा वादा है कल वाली क्लास देखोगे ना, अगर आपने क्लासेस देखी होंगी ना तब आपका स्कोर बहुत अच्छा कल वाली क्लास में ही होने वाला है, ठीक है। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। आज मोटिवेशनल नहीं है, मोटिवेशन इससे ज्यादा क्या हो सकता है जो मैंने आपको बता दिया कि कल टेस्ट होगा। देखिए क्या है, इसमें हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है, मतलब यहां पर हमें बताना है क्या होगा, पर इसमें चीजें क्या होती है सबसे पहले वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस तो आप बुक से भी देख सकते हो लेकिन चीजें सीखना बहुत जरूरी है। तो ये इस तरीके से कुछ भी होता है उसमें क्या होता है, जिस तरीके से ये बना हुआ है, मैं एक बार इसकी डिजाइन बना लेता हूं ताकि आपको और अच्छे समझा सकूं मैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपका जो बना हुआ है इसमें देखिए, इसमें हमें चेक करना होगा सबसे पहले या तो इन दोनों का जोड़ हो रहा होगा या इन दोनों का गुना हो रहा होगा या कोई यहां पर स्क्वायर हो रहा होगा या क्यूब हो रहा होगा, ठीक है। ये चीजें हो रही होंगी, ये हो सकता है, या अगर फिर हो सकता है अगर इनमें से नहीं हो रहा सेम ऐसे ही इधर होगा, अगर ऐसे नहीं हो रहा तो इन दोनों का गुना हो रहा होगा या जोड़ हो रहा होगा या स्क्वायर क्यूब हो रहा होगा, सेम ऐसा ही इधर होने वाला है, ठीक है। गुना या जोड़ या जो स्क्वायर क्यूब, या अगर ये चीजें भी नहीं हो पा रही फिर हमें यहां पर ऐसे चेक करना है इधर से लेकर इधर तक, इसका और इसका, मतलब इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि दिख जाए कि इसका और इसका, मतलब इसका और इसका हो रहा होगा और इसका और इसका हो रहा होगा, ये चीजें हमें चेक करनी होती हैं। और ये जल्दी कब निकलेगा आप बोलोगे, सर इतनी चीजें चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी कब निकलता है, जब आप प्रैक्टिस बढ़ती हुई जाती है ना तो क्वेश्चंस देखते धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि हमें कहां पर क्या चीज है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपके ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, अगर 100 भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो उनमें से ही आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं रीजनिंग की बुक है वो अपने इंस्टाग्राम पर भी डालने वाला हूं, जैसे मैंने कल भी बताया था, जल्दी आपको वहां पर बुक मिल जाएगी। तो अब इस क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए क्वेश्चंस को, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, इसमें हमें बताना क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसको और इसको करें तो ये आता है 8, ठीक है, गुना किया हमने। इसको इसको करें तो ये आता है 9, क्योंकि मैंने बताया था ना गुना करेंगे या फिर जोड़ करेंगे फिर स्क्वायर क्यूब करेंगे, तो हमने क्या किया यहां पर गुना किया तो ये आ गया। अब ये बेहतर कब आ सकता है, जब इन दोनों का गुना कर दे 9 और 8 का, तब बेहतर आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले चेक करते ही आपका आंसर निकल गया, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन ध्यान से देखना, बाकी आपको समझ में आने लग जाएगा किस तरीके से क्या चीजें होती है। बेहतर आ गया, फिर ऐसे ही यहां पर करें 36, इन दोनों का गुना करें 20, और 36 और 20 को फिर से गुना करें तो ये 720 आ रहा है, और ये 720 ही लिखा हुआ है, मतलब कि हमारी बात बन गई, जो हमने इसमें किया वो इसमें किया और दोनों में सेम आ रहा है, जो बीच वाला आ रहा है, मतलब हमारा जो ट्रिक हमने लगाई है वो बिल्कुल सही है। तो अब इसमें भी ऐसे ही कर देंगे, तो क्या करेंगे इन दोनों का गुना करेंगे तो 20 और 6 का कितना हो जाएगा 120, और 1 और 6 का क्या हो जाएगा 6, तो 120 और 6 को गुना करने पर जो आएगा वो हमें लिखना है। तो 120 छक्के कितना होता है 720 होता है, ठीक है। और ये 720 आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यहां पर कौन सी संख्या आ जाएगी आपको 720 संख्या आपकी आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, फिर से देख लेना क्या किया हमने, पहले गुना चेक किया यहां से यहां का, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये आपका बन गया, यहां से 8 आ गया, यहां से 9 आ गया, गुना करने पर बीच वाला 72 आ गया। फिर ऐसा ही इसमें भी होना चाहिए, तभी तो
दोनों में तीन दिए हुए हैं तो दो में अप्लाई होना चाहिए, चार दिए हुए हैं तो तीन में अप्लाई होना चाहिए, दो दिए हुए हैं तो एक में अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ये बात नोट कर लेना। तो यहां पर हमारा अप्लाई हो गया दोनों में, तो बस इसमें अप्लाई किया तो 720 के आगे आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, टेंशन मत लेना, क्लास के एंड में आपसे भी एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तभी आपको पता चलेगा कि समझ में आया है या नहीं आया है। अब हमें यहां पर बताना है कि यहां पर क्या आएगा। ठीक है, यहां पर बताना है कि यहां पर क्या आएगा। यहां पर लिखा हुआ है तीन और यहां पर लिखा हुआ है सोलह। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ तीन, यहां पर लिखा हुआ सोलह, यहां पर लिखा हुआ है इक्यासी, यहां पर लिखा हुआ है 406 और बीच में लिखा गया पांच। ठीक है, अब पांच का क्या संबंध करें कि यहां पर 16 बन जाए? तो अगर तीन को पांच से गुना करते हैं तो कितना आता है आपका, क्योंकि मैंने बोला ना पहले गुना चेक करते हैं, तो गुना चेक करेंगे तो कितना आता है 15। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है क्या 16 है, तो मतलब 15 में से एक जोड़ के लिखा गया है। ठीक है, अब यहां पर 16 है और पांच से हमें गुना करना है, क्योंकि इसमें पांच से गुना किया तो इसमें भी करेंगे, तो 16 पंजे कितना हो गया आपका 80 हो गया। लेकिन यहां पर क्या लिखा गया 81, मतलब क्या हो गया 80 प्लस 1 81 लिखा गया, मतलब ट्रिक काम कर गई, दो पे काम कर गई ना। तो ठीक है, तो यहां से यह हुआ, यहां से ये हुआ। अब इसमें और चेक कर लेते हैं, क्योंकि तीन दिया हुआ तो इसमें भी करेगी एक ट्रिक काम। तो 81 को पांच से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 405 और प्लस एक करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 406। तो यहां पर आपका 406 लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका सही जा रहा है। अब इसको क्या करना है, पांच से गुना प्लस में एक करना है, तो इसको पांच से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2030 और प्लस में एक, तो 2031 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब यहां पर बात समझ में आ गई, कैसे किया ये बात तो आपने सीख ली यहां पर, लेकिन एक चीज क्या है वो मैं आपको सिखाता हूं, जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करतेगी आगे और क्वेश्चन होंगे उनमें। इसमें क्या किया, इसमें से हमने यहां पर जो संख्या लिखी वो बड़ी लिखी है। ठीक है, यहां से हमने जो संख्या लिखी है वो बड़ी लिखी है, लेकिन हो सकता है यहां पर जो संख्या होगी वो इससे छोटी हो, लेकिन इसको पांच से गुना करने पर इससे छोटी संख्या तो आ नहीं सकती थी। किसी भी संख्या को पांच से गुना करेंगे तो इससे छोटी संख्या तो आएगी नहीं। ठीक है, जीरो हो सकता है सिर्फ, क्या है, जीरो हो सकता है सिर्फ। ठीक है, लेकिन उसमें एक जोड़ते तो यहां पर फिर एक होता, तो इसलिए जीरो भी नहीं हो सकता था। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या चीज हुई आपकी, कि यहां पर जो चीज थी इसकी वजह से यहां पर आपको बड़ा लिखना या छोटा लिखना, एक तो आपको ऑप्शन से पता चलेगा, अगर ऑप्शन में बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब इसका संबंध बड़े से है। ठीक है, और ऑप्शन में अगर छोटी संख्याएं होती तो इसका संबंध किससे होता, छोटी संख्या से होता। दो ट्रिक मैंने आपको बताई है चेक करने की, दोनों में से कोई भी अप्लाई होती है तो चेक करना जरूरी बनता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, बात हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। इसमें हमें बताना है कि ये 78 कि इसका 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 चारों का कोई भी संबंध बनाना है, और संबंध बनाने के बाद 78 बनना चाहिए, कैसे भी बनना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम गुना करते हैं, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो 11 और 12 का गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका एक तरीका है 12 को 10 से करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 12 को 10 से करते हैं तो 120 और 10 132 आ जाता आपका। ठीक है, 120 और 12 132 हो जाता, या इसको ऐसे भी कर सकते हो 11 121 121 और 11 132, इस तरीके से या गुना कर लो, वो तो बात अलग है। इसके बाद यहां पर करें तो 6 गुना 9 कितना हो गया 54। अब देखिए, हमें 78 लाना है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये कैसे आए, कैसे पता चलेगा, यहां पर तो गुना होगी, पिछले वाले में तो हमने गुना किया था, तो हमें यहां पर क्या था, बड़ा था, तब हमने गुना करके वो लेके आए थे। इस बार यहां पर छोटा है, इन संख्या से छोटा है ना, तो गुना करने पे नहीं होगा, छोटा है तो जोड़ने पे भी नहीं होगा, तो किस पे होगा, घटाने पे होगा। तो इसको घटाते हैं, घटा के चेक करते हैं, तो यहां से आ गया आपका 8, यहां से 12 में से गया 7, तो 78 आ गया, बिल्कुल सही है। मतलब ऊपर ऊपर वालों का गुना किया, नीचे नीचे वालों का गुना किया, तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाने पर ये हमारा आ गया। तो सेम ऐसा ही यहां पर करेंगे, 14 गुना 10 कितना हो जाएगा 140 और 7 गुना 8 इसमें से 56 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहां से आ गया आपका 4, ठीक है, यहां से हो गया 13 और ये आ गया 8, तो 84 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर एक में दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई, यही चीज थी। ठीक है, देख लेना, अगर यहां पर क्या है, बड़ा है, अगर यहां पर बड़ा है तो मतलब या तो जोड़ हो रहा होगा या गुना हो रही होगी। ठीक है,
और छोटा है तो इसका मतलब घटा हो रही होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं सभी भी टाइप मिसिंग नंबर से जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं, जिस तरीके से भी पूछे जाते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन यहां पर करवाने वाला हूं। तो क्लास को ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि अगर आपका सपना है ना, तो सपने को पूरा करने के लिए थोड़ा दिमाग पे भी जोर लगाना पड़ेगा और थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा समय देना पड़ेगा, वरना बिना समय के कुछ नहीं होता। समय सबसे ज्यादा बलवान होता है, ये बात आपको पता है ना। अब देखिए 54 कैसे आएगा, इस बार क्या है, इस बार ऐसे तो नहीं है, इस बार क्या होगा, इन दोनों का गुना करें तो कितना आ जाता है, ये 48। ठीक है, और इन दोनों का गुना करें तो ये आ जाता है 28। जोड़ेंगे तो 54 नहीं आएगा, घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये ट्रिक तो हमारी काम यहां पे नहीं करेगी। फिर यहां पर करें इनका और इनका, तो ये हो गया 56 और ये हो गया 24, तो भी नहीं हो रहा आपका। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते हैं, इनका करते हैं और इनका करते हैं, तो ये कितना हो गया आपका 42 और ये हो गया 32, और यहां से भी आपका नहीं हुआ। तो मतलब यहां पे ये चीज तो नहीं हुई कि कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इनमें से एक का तो गुना हो रहा होगा और एक का जोड़ हो रहा होगा, क्योंकि बड़ी संख्या आ रही है ना, एक से बड़ी संख्या आ रही है तो गुना हो रहा होगा और जोड़ हो रहा होगा। तो अगर इनका गुना करें 48 और 11, तो 48 11 54 होंगे नहीं। इसका करें 56 और इनको जोड़े 10, तो 56 10 66 होते हैं, ये भी नहीं होगा। इनका करें 32 और 13, तो यहां पर अगर 32 और 13 करते हैं, प्लस में 13 करते हैं, तो लास्ट में 5 आता है, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, 42 और 12, बिल्कुल क्या हो जाएगा, 42 प्लस 12 ये हो गया आपका 54। ठीक है, 42 12 क्या हो गया, 54 हो गया। तो इस बार क्या हुआ, इन दोनों का गुना और इन दोनों का जोड़। बात समझ में आई? अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर समय लग गया, पेपर भी तो अच्छा है यार, जब अच्छे लेवल का बनेगा, देख रहे हो किस लेवल का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, सीजीएल लेवल का। अब ये मत बोलना सर ये हमारे किस काम का, पेपर अच्छा बनता है। ठीक है, पेपर इजी बनता है, पेपर मॉडरेट बनता है, पेपर हार्ड बनता है। ठीक है, तो हमें हर हिसाब से चलना है, और जो हमारा मास्टर कोर्स होगा वो तो और भी शानदार होगा। फिर तो आप बोलोगे सर और भी जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये कब होगा, जब आपकी मेहनत से काम आएगा तभी। ठीक है, तो इस बार यहां इसमें करके देखते हैं, यहां पर क्या किया था हमने, 42, तो यहां पर करें 32 और यहां पर जोड़ना है तो 19, और 32 और 19 क्या हो जाएगा, यहां पर 42 और 9 51, तो ये आपका सही है। तो सेम ऐसा इसमें करना है, 45 और 23, तो क्या हो जाएगा यहां पर, 45 प्लस में 23, तो 8 और 6 68 आपका आंसर हो जाएगा इसमें, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में। और जो चीजें मैं आपको सिखाता हूं ना, समझाता हूं, तब थोड़ा समय ज्यादा लगता है, आप करोगे तो आपको समय कम लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे, जैसे ये सीएचएसएल लेवल का है, 10+2 लेवल का है, तो ये थोड़ा इजी बन जाएगा। देखिए क्या है इसमें, हमें बताना है कि इसमें क्या होगा। अब देखिए यहां पर बड़ा आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ संबंध होगा इसका, इधर से इसका कुछ संबंध होगा, तो चेक करते हैं सबसे पहले क्या संबंध है, वो संबंध को चेक करते हैं। अगर इनको जोड़े 18 आ रहा है, यहां पर 27 लिखा हुआ, यहां पर जोड़े तो 37 आ रहा, यहां पर 56 लिखा हुआ, ये तो नहीं हो रहा। तो अगर इनको जोड़े तो कितना आ रहा है, 30, 30 आ रहा है। 30 दिखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें बीच वाली संख्या पे ध्यान होना चाहिए। क्या अबे 30 कब आ, 30 आ गया, लेकिन ये 15 कब आ सकता है, जब इसको 2 से भाग दे देंगे तब आपका 15 आ सकता है। इसमें भी चेक करते हैं, इनको पहले जोड़ना है, तो 62 हो गया, और 2 से भाग देंगे 31 आ गया बीच वाला, बिल्कुल सही है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही करना, इनको जोड़ना है, क्या हो गया 90 हो गया, 2 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा, 45 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ क्या 45। बात समझ में आ गई? हर टाइप का, हर जितना भी लेवल का क्वेश्चन है सारा मैं यहां पर करवाने वाला हूं, इसलिए बोलता हूं ध्यान से देखते रहना। बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, हर क्वेश्चन से आप नई चीज सीखोगे, नई चीज आपको सीखने के लिए मिलेगी, नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जो आपके पेपर में काम आएगा। और जो मैं बुक देने वाला हूं, या आपके पास बुक है, जब प्रैक्टिस करोगे तो आप क्वेश्चन को उखाड़ फेंकोगे। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, हमें बताना है ये कब होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि गुना करेंगे तो ये ज्यादा चला जाएगा,
गुना करेंगे ज्यादा चला जाएगा, पहले जोड़ के देखते हैं। 36 और 27 को हम जोड़ें तो यहां से आपका आ गया 3 और यहां से आ गया 6, 63। यहां पे आ गया 63 और 63 में इन दोनों को जोड़ के लिख दें, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, तो इनको जोड़ के लिखें तो कितना हो गया 9। और 63 और 9 कितना होता है? 72 होता है। मतलब क्या हो रहा है? सभी का आपस में जोड़ हो रहा है। या ऐसे जोड़ के ऐसे जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, तो वही बात है, बेहतर आना चाहिए आपका। ठीक है, इसमें करके देखते हैं तो 70 4 74 प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 70 8 78। तो जोड़ेंगे तो 2 और 15 152 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो सेम ऐसा ही हमें इसमें करना है, थोड़ा जूम कर देते हैं, ऐसा ही इसमें करना है। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 110 आ गया आपका, और प्लस में 4 114 आ गया। अब हमसे पूछा यहां पर क्या आएगा, कुल जोड़ होता 123, 123 होता, उसमें से 114 हमारा आ चुका है, तो हमें जो घटाने पर आएगा वो हमारा यहां पर होता, तो इसमें घटाते हैं तो कितना आ जाएगा यहां पर, ये यह आपका हो जाएगा 9। तो ये आपका 9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है 9 आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या क्या सभी को जोड़ा गया है। आपको लग रहा था कि क्वेश्चन अलग टाइप का है, कुछ भी है, मैंने आपको जो चीजें बताई थी ना स्टार्टिंग में, जोड़ घटा गुना भाग, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें तो क्या था, सारों को जोड़ना ही था, इसमें सारों को जोड़ना था, इसमें सारों को जोड़ के लिखना था, तो सारों को जोड़ के लिखने पर यह प्राप्त होना चाहिए। तो अगर इसमें से इन तीनों का घटा देंगे तो यह चौथे का पता चल जाएगा। मतलब आपको बोला गया कि आप 5 लोगों के पास कितने रुपए, 123 रुपए है, ठीक है, सॉरी 4 लोगों के पास 123 रुपए है, ये बोल दिया गया। 3 लोगों का आपको बता दिया गया कि 3 लोगों के पास 114 रुपए है, तो आपको पता चल गया ना जो चौथा है उसके पास कितने रुपए है। तो सेम एज इट इज यहां पे है, ठीक है, तो ये आपका 9 हो गया। इसमें हमें बताना है क्या होगा, तो सबसे पहले छोटे की तरफ से देखते हैं इसमें, तो 7 से हुआ 15, तो 7 से 15 कब हो सकता है, जब 2 से गुना करें और 1 जोड़ें। क्यों मैंने इतना जल्दी कर दिया, क्योंकि अभी हमने किया था ना, सेम एज इट इज था। इसको क्या किया, 15 को 2 से गुना करें और 1 जोड़े, तब 31 आ रहा है, 15 2 30 प्लस 1 31। 31 को 2 से गुना करें तो 62 प्लस में 1 जोड़े तो 63। 63 को 2 से गुना करें और प्लस में 1 करें तो 127। अब यही आपको यहां पर करना है, ठीक है, क्योंकि हम पहले चेक कर लेते हैं, बड़ी संख्या है ना तो यहां पर गुना ही होगा। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 254 प्लस में 1 क्या हो जाएगा, 255। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, कि यहां पर क्या आ जाएगी, आपकी संख्या 255 हो जाएगी, क्योंकि 127 दुनी 254 और प्लस 1 करके लिखना है, तो क्या हो जाएगा आपका, 255 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, रीजनिंग की मैंने प्रैक्टिस करवाई है ना प्रीवियस ईयर पेपर, उनमें भी बार बार बताया है, और इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो भी लेके आ चुका हूं मैथ के चैप्टर में। ठीक है, क्या था, जहां पर 1 4 9 16 25 दिख रहा है, मतलब क्या है, स्क्वायर है, ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर, अब क्या आएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये आपका आंसर हो गया 36। और मैंने स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी आपको बताई थी, तो कमेंट करके बताना कि 36 का स्क्वायर क्या होता है। देखता हूं कितने चैंपियंस हैं जो रियलिटी में तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो जो देगा ना, सभी को मेरी तरफ से हार्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं देखने वाला हूं कितने हमारे चैंपियंस हैं जो रियलिटी में क्लास देखते हैं और उनसे सीखते हैं। 36 का स्क्वायर कमेंट में आ जाना चाहिए सभी का। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका हमें बताना है इसका क्या होगा। तो यहां पर हमें बताना है, तो यहां से इसका संबंध होना चाहिए, तो 198 कब आ सकता है, अगर हम 66 को 3 से गुना करते हैं तब हमारा 198 आता है। अब बोलोगे सर ये कैसे पता चला, तो एक तरीका ये है कि 198 को आप 66 से भाग दे दो। दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता होना चाहिए गुना, क्योंकि तो जोड़ घटा गुना भाग तो आपको आने ही चाहिए, तो ये क्या है गुना है, और ये इसका क्या है, ये इसका 3 गुना है। अब करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं, मान लेते हैं 200 होता है तो ये 600 हो जाता, 2 कम है तो 3 से गुना करना है तो 6 कम हो जाएगा, तो 600 में से 6 कम करके ही लिखा गया 594। अब इसको क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करके लिखेंगे हम। ठीक है, 3 से गुना करके हमें लिखना है,
लेकिन यहां पर हम ऑप्शन में देखेंगे तो छोटा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पर ये वाली ट्रिक काम नहीं आएगी। तो इसका मतलब होगा यहां पर छोटे का संबंध है, बड़े वाला संबंध नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले समझाया था। ठीक है, पहले समझाया था ना, काम आया ना, इसलिए बोलता हूं हर एक चीज में आपको वो बताऊंगा जो आपके काम आएगी, बेवजह की कोई भी बात आपको नहीं बताने वाला। तो यहां पर छोटा कब होगा, तो 66 किसी संख्या को 3 से गुणा करने पर आता है, तो अगर इस 66 को 3 से भाग दे देंगे तो वो संख्या हमारे पास आ जाएगी, और वो संख्या क्या है, 22 आपकी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इससे गुना किया 3 से तो 66 आ गया, इसको किया 3 से तो 198 आ गया, इसको किया 3 से तो 594 आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ठीक है, आगे देखिए अगला टाइप, हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, कॉन्स्टेबल लेवल का पूछते हो तो देख सकते हो, कॉन्स्टेबल लेवल का क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए क्या है, इसमें क्या होगा, तो इसका संबंध देखिए, इसके संबंध होता है कि जैसे बांटा हुआ है ना, तो इनका संबंध होगा आपस में। ठीक है, और ये जो बाहर वाली चीजें हैं इनका संबंध अंदर वाली से होगा, तो अगर इनको जोड़ दे तो 8 आ जाता है, और ये क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 64 दिख गया तो दिमाग में आ गया, 64 दिख गया तो दिमाग में आ गया, 81 दिख गया तो दिमाग में आ गया, तो वही चीज थी, जोड़ने पर आ गया आपका 8, 8 का स्क्वायर होता है 64। सेम फिर यहां पर चेक करेंगे हम, तो यहां पर चेक करेंगे तो इनको जोड़ने पर 9, और 9 का स्क्वायर करने पर 81। सेम एज इट इज हमें यहां पर करना है, इनको जोड़ने पर 6, और 6 का स्क्वायर करने पर अंदर 36 आ गया। ठीक है, अगर जूम करना चाहूं तो और कर सकता हूं। ठीक है, आगे देखिए, इन दोनों को जोड़ने पर 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर करने पर यहां पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, आपका 100 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यहां पर दो चीज पकड़ने वाली थी, वो मैंने आपको क्या बता दी है, यहां पर क्या चीज थी, एक तो थी यहां पर ये वाली संख्या है, देखते ही आपके दिमाग में आ गया स्क्वायर बन रहा है, दूसरा आपको इनके अंदर सोल्व करना होता है कि बाहर वाली जो संख्याएं हैं उनका संबंध अंदर वाली संख्या से है। ये दो चीज समझ जाना, बाकी क्वेश्चन आप आसानी से निकाल पाओगे, कैसा भी चाहिए क्वेश्चन आ जाएगी। आगे देखें क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है क्या होगा आपका यहां पे, कि अगर इनको जोड़े, ठीक है, तो इनको जोड़े तो कितना बन रहा है आपका, 26 बन रहा है, और प्लस में इनको जोड़े 10, तो ये आपका 36 बन रहा है, तो मतलब जोड़ने पे आ रहा है। इसमें भी क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ने पे 54 आना चाहिए, तो 54 में से सभी जोड़ के घटा दें तो आ जाएगा, तो कितना हो गया, 11 9 20, और 20 और 16 कितना होता है, 36। इसमें से अगर 36 घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बात समझ में आ गई, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए क्या है, इसमें हमें बताना है इसमें क्या होगा, तो इसमें बड़ा नीचे की तरफ है, इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर संबंध होगा। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, तो इसलिए स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो 18 कब आ सकता है, इसको हम जोड़े पहले, तो 9 और 2 11 नहीं हो रहा, गुना करें 5 के 20 आ रहा है, और उसमें 2 माइनस कर दे तो 18 आ रहा है। अगर यहां पर 8 करें तो उनमें यह करें तो ये भी आपका नहीं आ रहा यहां से, तो इसका मतलब यहां पे क्या चीज हो रही होगी जिसकी वजह से ये 18 आ जाए। ठीक है, क्या चीज हो रही होगी, ये 18 आ जाए, तो अगर इनको जोड़े और इससे गुना करें तो 18 आ रहा है, इनको जोड़े और इससे गुना करें तो 30 आ रहा है। ठीक है, ये 9 और गुना में 2 18, 6 गुना में 5 30, तो इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो 11 और गुना में 3 कितना आ जाएगा, 33। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपर वालों को जोड़ा नीचे वाले से गुना किया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, ये टाइप है, ये जो ट्री टाइप वाला है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, क्योंकि जहां पर आपको 64 दिख गया, जहां पर आपको 49 दिख गया, जहां पर आपको 81 दिख गया, मतलब स्क्वायर हो रहा है। बात समझ में आ गई, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729। या ऐसे भी कर सकते हो कि 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81 आया, 81 को 9 से गुना करेंगे तो 729 आया। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, कुछ स्टूडेंट को जो भी दिमाग में आए आप कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर वाला नहीं आ रहा तो गुना वाला तो आएगा ना, जो बेसिक से हम स्टार्टिंग से करें गुना वाला तो आएगा, तो इसको 8 से गुना करें तब 64 आ रहा है, 64 को 8 से गुना करें तो 512 आएगा। उसी तरीके से 7 को 49 से गुना करें तो 49 आ रहा है, 49 को 7 से गुना करेंगे, या आप बोल सकते हो 7 का स्क्वायर है, 7 का क्यूब बताना है, तो कितना हो जाएगा यहां पर, 343 हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, 49 को 7 से गुना करोगे तो 3 6 28 और 6 34, तो ये इस तरीके से भी आपका आ जाएगा। आगे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें बताना है,
तो ये क्वेश्चन हमने शायद अभी किया था, ठीक है, अभी कर चुके हैं शायद ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अगर नहीं किया तो कमेंट कर देना, ठीक है, शायद कर लिया हमने, ये नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूं किया या नहीं किया है। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 26, और इनको जोड़ेंगे तो 10 36 आ गया, इनको जोड़ेंगे तो 20 20 और 16 कितना हो गया 36, 54 में से 36 घटाएंगे तो आपका 18 आ जाएगा। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाया था मैंने, ठीक है, इससे आपका माइंड ऑफ प्रेजेंस पता चलेगा कि आप क्लास में बैठे हुए थे या नहीं बैठे हुए थे, आप जो नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ रहे थे या आप क्लास पे आपका ध्यान था। क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर आंसर बता दिया करो, तो आंसर इसका मैं पहले ही बता चुका हूं, तो अब कमेंट करना है इसका, ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपका ध्यान कितना था क्लास में, क्या आप एक फौजी बनने के लायक हो। अब ये मत बोलना सर आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं था तो देश की रक्षा करने के लिए, दुश्मनों को उड़ाने के लिए उन पे ध्यान कैसे जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी देखते हैं कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आता है। और दोस्तों जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो अपने इंस्टाग्राम पर मिलने वाले हैं, और अपने 10 के जो हमारी फैमिली है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। हो सकता है जब तक ये आप क्लास देख रहे हो चुकी हो, तो आप जितना प्यार दे रहे हो उसके लिए धन्यवाद। जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके लिए मिलती रहती हैं। जो ये पीडीएफ है वो हट चुकी है यहाँ पर, और आपके लिए आ जाएगी, जैसे हम मैंने बोला रीजनिंग की बुक की पीडीएफ डल जाएगी यहाँ पर, मैथ की बुक की पीडीएफ डल जाएगी, और भी बहुत सारे नोट्स तैयार होते रहते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।